जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। और कल हमने बेसिक स्टार्ट की थी, बेसिक कंसोनेंट। आज हम जो है एस्पिरेटेड कंसोनेंट पढ़ेंगे। एस्पिरेटेड कंसोनेंट, अखज़ शुदा कंसोनेंट, नंबर 10 है, छियोत, नंबर 11 खियोत है, 12 थीगत एंड नंबर 13 फियोत, नंबर 14 हियोत, छियोत, खियोक, थीगत, फियोक एंड। इसी तरीके से इनके तीन साउंड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जब कॉन्सोनेंट नीचे है, जब कॉन्सोनेंट नीचे आए। जब इससे लफ्ज कोई भी कोरियन में स्टार्ट होगा तो ये थे की आवाज देगा, इसका सेकंड साउंड भी छे, और जब नीचे आएगा तो ते की आवाज। क्यों का भी थे, सेकंड भी यही, और जब नीचे आएगा का की आवाज। ठीक है, फर्स्ट थे, सेकंड थे, और जब नीचे आएगा ते की आवाज। थियोप की फर्स्ट थे, सेकंड थे, और जब नीचे आएगा तो पे की आवाज दे। इसी तरीके से रियोत की है, सेकंड है, और जब नीचे आएगा तो ये ते की आवाज दे। ये हमारे एस्पिरेटेड जो पांच कॉन्सोनेंट थे ये वो। कल हमने पढ़े थे बेसिक कॉन्सोनेंट, बेसिक कॉन्सोनेंट वो थे नौ। नंबर 1 नियोन, बेगर, रियल, म्योम, बियोक, शियोक, इयोम एंड छियोक, जियोक। तो ये हमारे नौ थे, और 10, 11, 12, 13 और 14 ये आपके जो है एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट थे। सेम इसी तरीके से गियोक, नियोन, दीगत, रियल, म्योम, बियो, शियोत, इयोम, जियोत। इसी तरीके से कल हमने फर्स्ट क्लास जो पढ़ी थी उसमें हमने क्लास नंबर 1 में हमने ये एक्सप्लेन किया था, और आज क्लास नंबर 2 में हम ये करेंगे। इसकी सेम फर्स्ट साउंड, सेकंड और थर्ड, जब कॉन्सोनेंट नीचे आए, जब कॉन्सोनेंट नीचे
लेक्चर उन लोगों के लिए है जो 2024 में इम्तिहान देना चाहते हैं या लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो वो पहले ये फर्स्ट क्लास ले, उसके बाद ये ले। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। खेल काफ काफ नून 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 थे दाल ते रे रे लाम मीम 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 थे बे एंड पे। इसी तरीके से सेम और शीन, ये जो आपकी शीन है तीन नुक्ते वाली, ये पांच वावल के साथ लगेगी। पूरी कोरियन के अंदर इन पांच वावल के साथ ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सेम एंड शीन। और जब नीचे आ जाएगा तो ते की आवाज, ये उनकी नो साउंड सेकंड में भी नहीं, और जब नीचे आएगा तो नन की साउंड जीओ छ की और सेकंड जीम, और नीचे आएगा तो ते। ये हमारे 14 जो कॉन्सोनेंट हैं क्लास वन और क्लास दोनों को, कल हमने ये पढ़ाया था और आज हम ये पढ़ रहे हैं, मैं अगेन से रिपीट कर देता हूँ। गियोक नियोन दीर्घक रियल मियोम बियोक शियोक इयोम जीवत छियोक खियोक थीगत थियोक और हियो। एस्पिरेटेड का मतलब होता है कि बेसिक में से कोई चीज नई क्रिएट कर देना, कोई चीज को बना के, कोई चीज ऑलरेडी बनी होती है उसमें से कोई और चीज बना देना, तो एस्पिरेटेड हो जाएगी। ये एस्पिरेटेड इन जो हमारे बेसिक कंसोनेंट है इनमें से निकाल कर ये जो एस्पिरेटेड आपके बनाए गए हैं वो हम देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सोनेंट और यहां आ जाएंगे एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट। बेसिक में हमारा ये है गियोक, इससे बना था खियोक। आप एग्जांपल को समझ लें कि ये एक व्हाइट बोर्ड है, अगर इतना काट कर उसको इस दीवार पे लगा दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? अगर व्हाइट बोर्ड इतना हिस्सा काट के इधर लगा दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? व्हाइट बोर्ड कहलाएगा। लेकिन क्या है कि उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसका साइज चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले लें कि एक बहुत बड़ा हाल है, उसके दो हिस्से करके छोटा हाल कर दें तो वो हाल ही कराएगा। अगर कोई बड़ा कमरा है उसके दो हिस्से कर दें और उसका एक और बना देंगे तो वो भी कमरा ही कराएगा। इट्स मीन कि उसकी जो साउंड है नॉट चेंज, लेकिन उसकी शेप चेंज हो गई है, बड़ा था छोटा हो गया। इसी वजह से कि जब इसकी साउंड जो है वो खे थी तो हमने इसकी भी खे बनी, लेकिन ये खियोक था, गियोक था, इससे खियोक बन गया, एस्पिरेटेड हो गया। इसी तरीके से ये दीगत था, दीगत की हमने थे पड़ी और इससे बन गया थीगत। तो थीगत भी हम थे पढ़ रहे हैं क्योंकि साउंड नॉट चेंज लेकिन उनकी शेप चेंज हो गई है। तो ये जो इनकी आवाजें थी वही जो इनसे बनी है। जैसे एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड है, उसको काट के अलग लगा देंगे तो वो व्हाइट बोर्ड भी कहलाएगा लेकिन उसका साइज चेंज हो गया। इसी तरीके से उनकी शक्लें चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे उनके साउंड चेंज नहीं। इसी तरीके से आगे जाएंगे तो आगे हमारा बीओ, बीओ है
इसकी हमने फेस ऑनली और उसी की वजह से हमारा बना था फी ओवर, इसी वजह से हम फेस ऑन इसकी। इसी तरीके से जियो थ्रे हमारी 600 ओनली और इससे बन गया 600 और उसका भी 600 का शेप चेंज हो जाएगी लेकिन उनके साउंड चेंज नहीं होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यही है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, गियो नियोन दीगर रियल मियोन बियो शियो इयोन जियो छियो खियो थीगर थियो और हियो। उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे और जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत फायदे होंगे, अगर वो अच्छे तरीके से इनकी तीनों ही साउंड जो है याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उनकी लैंग्वेज बिल्कुल